तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एल्स इफ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेल्स अमाउंट है। अब क्या है कि 0 to 40 हो तो मैं यहाँ पे 500 की इंसेंटिव देना चाहता हूँ। 41 to 80 होगा तो 1000 का। 81 यहाँ पे 81 to 100 होगा तो यहाँ पे मैं दूंगा 1500 का, और ग्रेटर देन 100 पे मैं दूंगा 5000 का। अब ये इंसेंटिव हमें यहां पे शो करना है। तो सबसे पहले तो लगाएंगे वीडियो लूप। सर ये लगाएंगे नेस्टेड इफ और वीडियो एल्स लूप इफ दोनों सेम है? नहीं, लास्ट टाइम जो कराया था वो नेस्टेड इफ था, ठीक है ना। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एल्स इफ हुआ, एक इफ ना चले तो दूसरा इफ, समझे। एक इफ ना चले तो दूसरा इफ। तो यहां पे लिखा 4i=2 to, इसको मैं ए करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट करने के लिए करते हैं रेंज ए 65000 डॉट एंड एक्सेलस आप डॉट रो, फिर नेक्स्ट आई। अब यहां पे हम एक दो वेरिएबल लेंगे, डिम एस एज ए रेंज और फिर डिम आर एज ए रेंज, नहीं माफ कीजिएगा लॉन्ग था, हमने गलती ले लिया, लॉन्ग यहां भी लॉन्ग ही लेना, लॉन्ग। अब यहां एस पे सेल्स को लोड करते हैं कि रेंज, फ्लिक म्यूट करने आई डॉट वैल, सर प्लीज म्यूट कर ले, यहां पे कंडीशन देंगे इफ एस एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन आर इक्वल टू 500, फिर यहां पे एल्स इफ। अब देखिए दूसरा दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला फॉल्स होगा। तो एल्स इफ एस इज इक्वल टू 80 देन, अच्छा ई छूट गया इसमें, हाँ, देन आर इक्वल टू 1000, फिर एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 100 देन आर इक्वल टू 1500, फिर एल्स इफ एस इज ग्रेटर देन 100 देन आर इक्वल टू 2000, 2000 5000 5000 5000, और फिर यहां पे एंड इफ, समझे। फिर यहां पे रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, समझे कि नहीं सर। अब रन कीजिए इसको एक बार। हमने इसको एंड से भी किया था ना सर लास्ट नहीं, एंड से जब होगा, जब टाइम। बिटवीन होगा कि एक ही है 41 to 80 करना है, लेकिन सीक्वेंस है ना, स्लैब है ना, इसको हम सिलेक्ट केस से भी कर सकते हैं। देखिए बल्कि सब कुछ सेम रहेगा, एक सिलेक्ट केस भी होता है। इसको हटाते हैं सिलेक्ट केस, तो यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट केस किसके साथ, एस के साथ। अब नीचे देखिए कि केस, अब यहां पे बार बार आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, केस एस इज एस नहीं, एस भी देने की जरूरत नहीं है, इज 0 to 40
देन आर इक्वल टू 500। केस 41 to 80। ओके केस को डिफाइन किया हमने, यस को डिफाइन एज अ केस किया, तो इफ एंड एल्स नहीं लगेगा। नहीं, बस केस देते जाइए 81 to 100 आर इक्वल टू 1500, केस ग्रेटर देन 100 इज अपने आप लग जाएगा, आपको लेवल लिखने की जरूरत नहीं है, आर इक्वल टू 5000। फिर लास्ट में एंड सेलेक्ट, ठीक है, समझे? तो सिलेक्ट में कब होता है, जब कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें जैसे मान लीजिए मुझे द इसमें मुझे ये करना है कि अगर 10 20 30 40 ऐसे चार पांच अगर हो तो उसका अलग आना चाहिए, तो यहाँ पे हम केस लिख देंगे, केस 10, 20, 30, 40, 80, 90 तो पे आर इक्वल टू आई 800। तो इस तरह के स्पेशल केस भी आप लगा सकते हैं, इसमें आपको और लगाना पड़ेगा, पर इसमें और लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? समझ में आया कि नहीं सर? यस तो ये आप इस अब इसी तरह से आप जो है बिजली का बिल वगैरह भी क्लियर कर सकते हो। अपने बिजली का बिल जैसे मान लीजिए कि यूनिट है, अच्छा एक ही नाम के दो माइक्रो नहीं होता, हाँ मान लीजिए यूनिट है, तो यहाँ पे हम यूनिट अपना लिख देते हैं। अब स्लैब है, स्लैब कहता है कि 400 से 0 से 400 होगा तो 3 रुपए यूनिट लगेगा, ठीक है। 401 से 401 से 8 1000 हुआ तो 5 रुपए, और 1000 से 2000 हुआ तो 7 रुपए, और ग्रेटर देन 2000 हुआ तो ये 10 रुपए काटेगा, समझे? तो मैं किसी ने अगर मान लीजिए 650 यूनिट किया है तो कितना उसका कितना होगा, तो उसका यहां होगा उसका 400 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसका हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 5, समझे? अब 650 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना है 7 से, अब इन दोनों को जोड़ोगे, अब इसका जो रिजल्ट आएगा 2450 बिल्डिंग होगा, क्लियर है, समझे कि नहीं सर? चलिए तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहां पे हम करते हैं सब इफ अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां पे लूप लगाते हैं कि 4 आर इक्वल टू चले 2 to 7 नेक्स्ट आई यहाँ पे डिम यू एज ए लॉन्ग एंड डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग, उसके बाद यहाँ पे करते हैं यू इक्वल टू रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे सिलेक्ट केस लगा लीजिए, इफ लगा लीजिए, आपके ऊपर है, सिलेक्ट यू केस 0 to 400 तो क्या होगा, यहां हो जाएगा आपको आर इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है।
केस 401 to 1000, तो आर इक्वल टू 400, ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट 400 मल्टीप्लाई बाय 3, स्पेस नहीं देना था हमें, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अगेन एस माइनस 400 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर इसको भी आपस में ब्रैकेट कर देना है, समझे। फिर केस 1001 to 2000, तो आर इक्वल टू इन द ये हमने ब्रैकेट एस की जगह, एस की क्या जगह बोले। यू अच्छा लिया हमने। हाँ, ये छोटी सी गलती हो गई, यू और यहां भी यू, तो यहां पे 400 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फिर 600 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यू माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 7, समझे। केस इज ग्रेटर देन 2000, तो यहां हो जाएगा आर इक्वल टू 4400 मल्टीप्लाई बाय 3, डायरेक्ट लिख भी सकते हो, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस यू माइनस 2000, एक और बड़ाई कर दीजिए यहाँ पे, फिर जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ फिर एंड सेलेक्ट और रेंज बी के साथ आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, समझे। ओके, तो ये थी हमारी एल्स इफ और सिलेक्ट केस। अब इस पे कीजिए आप दवा के प्रैक्टिस, अगली वीडियोज में, अगली क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लूप। अब यहां पे इफ आपका होता है खत्म, अब शुरू करेंगे